नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। करोड़ों करोड़ इस देश के मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर क्या लोगों के दिमाग में लोकतंत्र और गणतंत्र का यही अर्थ समा पाया है कि एक समय के अंतराल पर राजा का चयन वोटों से होना चाहिए और उन्हें अपना वोट देने के लिए कुछ कीमत मिलनी चाहिए? क्या हम भारत के लोग या तो मतदाता बनकर रह गए हैं या उपभोक्ता? क्या हम नागरिक नहीं हैं या नागरिक नहीं बन पाए हैं या अपना नागरिक बोध भूल गए हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। एक और सवाल है कि क्या हम भारतीयता का अर्थ भी भूल गए हैं? क्या इस तरह से हमने अपने अधिकारों और दायित्वों पर न होकर लेन देन और रिश्वत आधारित एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास किया है? रिश्वत मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वोट के बदले आपको कोई लालच दिया जाता है या वोट के बदले कोई सुविधा जिसके आप पात्र नहीं उसे देने की बात होती है या वोट के बदले आपको कहा जाता कि मेरी सरकार लाई आपको हम ये दे देंगे, तो इसे रिश्वत की कैटेगरी में रखा जा सकता है। शब्द खराब है लेकिन मकसद वही है। जहां लोग मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को नहीं राज्य की कृपा को समझते हैं और उसको एक तरीके से एहसान मानते हैं और इसी एहसान के तरे दबे रहना चाहते हैं। अगर कहने को ये कह सकते हैं, बहुत सारे समाचार माध्यम, चमक दमक वाले लोग, चमक दमक वाले एंकर चैनल ये कह सकते हैं कि बड़ा नीरस विषय है मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की एक रस्म अदायगी हो गई, हो गया। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मीडिया और क्षेत्रीय मीडिया में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की खबरें मुझे आज दिखी नहीं। सुबह से ही मेरे मन में एक बात बार बार आ रही थी कि वास्तव में एक वोटर की वोट की ताकत क्या है। नेताओं के, अफसरों के जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बहुत बड़े बड़े भाषण और बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देखने को मिलता है। वो कहते हैं आपकी वोट की ताकत में ये है, वोट की ताकत में है, लेकिन वास्तव में क्या ये वोट की ताकत को एक किसी तंत्र ने प्रभावित किया है और उस तंत्र के जरिए लोकतंत्र के अपहरण की कोशिश की जाती है या लोकतंत्र का अपहरण होता है और अपहरण के बाद फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या वोटों का अपहरण करने वाले, वो चाहे जिस विधा से हो, पहले कभी बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब दिमाग को कैप्चर कर लिया जाता है, बूथ के बदले अब दिमाग कैप्चर हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें, जाति धर्म संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम, बहुत सारे तंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं एक वोट को प्रभावित करने के लिए और खुद को लोकतंत्र का पहरुआ बताने के लिए। और यही लोकतंत्र के पहरुए जब सत्ता में काबिज हो जाते हैं तो देश का भविष्य, देश का भाग्य, हम सब की किस्मत ये पहरुए तय करते हैं जिन्हें हम नेता कहते हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या आज आजादी के इतने वर्षों के बाद क्या एक आम आदमी, क्या एक आम मतदाता अपने वोट की कीमत समझ पाया है और क्या वो स्वतंत्र रूप से, क्या किसी बाहरी बल के, किसी फोर्स के, मैं न्यूटन के सिद्धांत की बात कर रहा हूं, क्या किसी बल के, फोर्स के, जिस प्रकार से फिजिक्स में सिद्धांत लगाया जाता, क्या उसके बिना वो अपने मन से, अपनी आत्मा की आवाज से, अपनी इच्छा से क्या वोट डाल पा रहा है? वो एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा विषय भी है और बड़ा प्रश्न है। इसे आधे घंटे या एक घंटे के किसी कार्यक्रम में समेटना असंभव है, लेकिन हमने आज एक कोशिश की है और इस समझने की कोशिश हम करेंगे कि वास्तव में ये क्या मतदाता ही इस देश का भाग्य विधाता है। कहते तो यही हैं लेकिन लगता नहीं है मुझे। और यूथ
यूथ पहले तो आज से दो चार पांच साल पहले, आठ साल पहले तक, दस साल पहले तक ये यूथ कहता था कि राजनीति नो, आई हेट पॉलिटिक्स, राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं। युवा भागता था राजनीति का नाम सुनकर। इधर कुछ दिनों से, आठ दस सालों से, जो नया युवा है, यूथ है, वो राजनीति की तरफ उन्मुख हो रहा है। और तमाम युवा नेता भी निकल कर आए हैं, युवा मतदाता भी बड़ी प्रचंडता के साथ में दिखता है मतदान के दौरान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी के लिए। लेकिन ये जो युवा वर्ग है, ये बहुत थोड़ा है। बाकी युवा भी उदासीन है अपने वोट को लेकर, लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे किंतु परंतु क्यों हैं, लेकिन विषय मेरे हिसाब से बहुत ही संजीदा और बेहद रुचिकर विषय है, और कहीं ना कहीं कंक्लूजन की तरफ हम ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम कोई अथॉरिटी नहीं है कि हमारा निकाला कंक्लूजन कोई माने ही, लेकिन मेरा अपना मत है कि अगर मेरे किसी प्रयास से, के न्यूज़ के किसी प्रयास से, मंथन में अगर बातचीत करने से अगर 0.01% या उससे भी कहीं लाखवां हिस्सा, करोड़वां हिस्सा भी लोग अगर कहीं उनके मन में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता चली जाती, तो हम समझेंगे कि हम सफल हो गए। मंथन के लिए मुझे लगता है इतनी भूमिका आज के इस विषय के लिए पर्याप्त है। बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन आज जो मतदाता को लेकर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो औपचारिकता, लकीर का फकीर जो नहीं, लकीर का फकीर एक मुहावरा है, लकीर का फकीर पीटना, उसी तरीके से आज मुझे दिखा। कहीं इसे कोई बहुत अभियान के रूप में नहीं मनाया गया, औपचारिकता निभाई गई। जगह जगह के जिलाधिकारियों ने अपने अपने तरीके से इसे मनाया, और बात की लखनऊ के डीएम और रायबरेली के डीएम, दो ने क्या कहा वो हमने आज एक सैंपल साइज के रूप में लिया है। इसके बाद फिर मंथन शुरू करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस बार मतदाता दिवस की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये थीम लेकर इस बार हमने सभी लोगों को, जो नए मतदाता हैं और जो यंग मतदाता हैं, मुख्य रूप से उनको एक नई ऊर्जा के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, और जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है वहाँ तक सभी स्तर से जानकारी पहुँचे, और सब लोग जो पात्र हैं वोट डालने के, वो वोट डाल पाएँ, स्वेच्छा से वोट डालें, बिना भय के वोट डालें, और अपने निर्णय का उपयोग करें। लोकतंत्र की आधारशिला है हमारा वोट, तो सभी लोग आज वोट डालने की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ें, खुद को लोकतंत्र के साथ जोड़ें, और हम स्वस्थ लोकतंत्र बनाएं, इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आज हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 25 जनवरी सभी लोगों को लोकतंत्र की वैल्यूज़ के लिए, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए सब लोग प्रेरित होकर हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते रहेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिले स्तर पे और तहसील स्तर पे, जिले भर में है कई जगहों पर कार्यक्रम विभिन्न तरीके के आयोजित किए जा रहे हैं। जिले स्तर पे शपथ ग्रहण के साथ ही रैली फ्लैग ऑफ किया गया है, और रंगोली प्रतियोगिता भी हो रही है, और इसके अलावा दिव्यांगजनों ने भी आज रैली निकाल कर संदेश दिया है। सभी का आह्वान किया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्शंस में अवश्य करें, और अपने इस दायित्व के प्रति सभी को जागरूक किया है कि हर मतदाता का ये दायित्व है कि वो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अपना जो योगदान है, राष्ट्रीय राष्ट्र के संबंधित विषयों पर अपनी बात रखने का जो एक तरीका संविधान में तय किया गया है, उसके लिए, उस व्यवस्था के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने सुना कि किस तरीके से एक एक वानगी है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में
इस तरीके के आयोजन हुए होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। लखनऊ के डीएम कह रहे थे कि भाई वोट जैसा कुछ नहीं, आप डालिए, और बहुत सारी बातें कर रहे थे, बिना भय प्रभाव, ये सब बहुत सारी बातें कह रहे थे। मेरा जो विषय है आज वो यही है कि जो कथनी है जब जमीन पर उतरती है तो ये पलट जाती है, फिर भय भी दिखता है, प्रभाव भी दिखता है, लुभाव भी दिखता है, लोभ और लालच भी दिखता है, और लोगों को एक अलग तरीके से फ्री ब्रिज के जरिए राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और जब किसी दूसरे राजनीतिक दल को लगता है कि अमुक राजनीतिक दल मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उस ज्यादा ही आगे निकलता जा रहा है तो वो मुक्त की रेवड़ियों पर रोक लगाने की कोशिश करता है। ये बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे प्रकरण नजर आते हैं, लेकिन मतदाता कहाँ खड़ा है, वोटर कहाँ है? क्या वो 5 साल में एक बार इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल की चीज है, या है क्या वोटर? मैं भी एक वोटर हूं लेकिन मैं भूल गया हूं, और आम नागरिक इस पचरे में भी फंस जाता है कि नगर निगम की अलग वोटर लिस्ट, उसके लिए अलग आप मतदाता बनिए, पता नहीं कब कट जाए, जब आप वोट डालने जाए आपका वोट ही नहीं, तो उसके लिए पहले नगर निगम के लिए अलग, विधानसभा के लिए अलग, लोकसभा के लिए अलग, इतनी सारी चीज़ें, डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल सारी चीज़ें डिजिटल हो गई, आधार कार्ड आपकी मजाल है कि आप 1 रुपया निकाल सकें कहीं से बिना आधार कार्ड के इस्तेमाल किए हुए, एक एक डेटा आपकी कुंडली सब कुछ है सरकार के पास, लेकिन अभी तक ये सिस्टम भारत में नहीं बन पाया कि भाई आधार कार्ड से व्यक्ति वोट डालेगा, आधार कार्ड से वोट डालेगा, ये इस बात पे पता नहीं क्यों कोई चर्चा करने को तैयार नहीं होता। अगर आधार कार्ड से बहुत सारे काम, सब कुछ, सारे कामों का, जीवन की आधार की कुंजी आधार कार्ड है, तो फिर मतदाता को ये अधिकार क्यों नहीं मिल सकता कि वह आधार कार्ड से वो मतदान करे, सारे बवाल झंझट खत्म, और वो निष्पक्ष होकर, एक ही पहलू हो सकता है। इस पर चर्चा हम शुरू कर रहे हैं, मेहमानों का पैनल धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहा है। पूर्व जज जस्टिस सीवी पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। पांडे साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। पांडे साहब जुडिशरी में बहुत एक बड़ा नाम रहे अपनी सेवा में, और अपने निर्णयों के लिए वो बहुत प्रख्यात रहे हैं, और जब सामाजिक जीवन में आए, आपने एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई, और बहुत सारा सामाजिक विषयों पर भी पांडे साहब का बहुत जबरदस्त उनका अपना सोच रहती है, और मतदाता और मतदान इसको लेकर भी उनका, उनकी तीखी टिप्पणियां अक्सर हम लोग सुना करते हैं। बहुत स्वागत पांडे साहब। दूसरे मेहमान जाने माने समाजशास्त्री ध्रुव कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मंथन में पहला सवाल पांडे साहब से ही, चूँकि आप जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब सबको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और समाज को भी समझते हैं। पांडे जी, मेरा यही सवाल है, एक तो आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप भी मतदाता हैं, हम भी मतदाता हैं। आज मतदाता खड़ा कहाँ है पांडे साहब? ये मैं अपने आप से भी आज सुबह से प्रश्न पूछ रहा हूँ। अच्छी बात है कि मतदाताओं को आप वोट देने के लिए जागरूक कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जितने लोग मतदाता जागरूक, अधिक से अधिक संख्या में मतदान होगा, उतने ही लोकतंत्र को माना जाता है, उतना लोकतंत्र को मजबूती मिले। अब वो एक बार मतदान वोट दे दिया और उसके बाद 5 साल तक उसके वोट के इस्तेमाल करके लोग क्या करते हैं, नेता लोग 5 साल तक अगर उनको एक बार मतदाता तो किनारे हो गया, मतदाता की तो पूरी उसके बाद कोई भूमिका रह नहीं गई। जो हमारे जो लोकतंत्र की व्यवस्था में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतदान के बाद मतदाता की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। आज मंथन भी पांडे जी इसी विषय पर है, हमारा जो मुख्य, जो मूल थ्रस्ट है वो यही है कि हम कहाँ खड़े हैं। जी, उसी को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि उसके बाद वोट देने के बाद तो उसको कोई भूमिका रह नहीं जाती, और ये जो सत्ता में जो लोग वोट के आधार पर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं वो चाहते भी नहीं है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिससे कि मतदाता, निरंतर मतदाता और जिसको मतदान देकर उसने चुना है उनका एक संवाद बना रहा है, ऐसा कोई मैकेनिज्म पैदा नहीं हुआ है। तो आज तक देखिए
कभी ऐसा नहीं होता है कि जो जीत के गया है वो क्षेत्र में एक नियमित रूप से वो ये कहे कि नियमित क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, आइए हम उस पर बहस करें और आपके विचार जाने, इसको विचार को लेके हम आगे देश में करें। देखिए बहुत सारे देशों में ऐसी व्यवस्था है, उन्होंने एक सिटी काउंसिल की तरह व्यवस्था बना रखी है जहां की जाते हैं तो एक नियमित रूप से आते हैं और वहां जब बहस होती है और उसी बहस को उसी विचारधारा को लेके आगे सरकार के सामने रखते हैं। या जैसे मान लिया यहाँ के विधायक है, विधायक अगर जीत के गया तो विधायक क्षेत्र में 3 4 6 जगहों पर कम से कम साल महीने में एक दो बार जाके और वहां की समस्या और उन समस्याओं को लेके बहस करता, फिर उन समस्याओं से आगे बढ़ता, तब मतदाताओं की भूमिका होती। अन्यथा तो बात जाता है, एक बार वोट दे दिया, अगर गलती से किसी गलत आदमी को दे दिया तो 5 साल उसको बर्दाश्त करना, सही आदमी को भी दे दिया तब भी सही आदमी उसे कोई संवाद नहीं बनाता, तो मतदाताओं की स्थिति तो बहुत दयनीय हो जाती है वोट देने के बाद। जी जैसे वो कहा गया ना कि बराती जो बराती बारात से लौटा बराती की जो हालत होती है वही देश की मतदाताओं की हालत। ठीक बात है, पांडे जी ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई मतदाता एक बार वोट देके किनारे हो जाता। आज मैंने विषय ही रखा हूँ, मैंने जो अपना उदाहरण दिया कि मैं खुद सोच रहा था कि भाई वोट देने के बाद कहाँ हूँ मैं, हम मतलब हम सब सारे कहाँ हैं। और वो एक बार इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद हर 5 साल बाद एक इस्तेमाल, उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें, देव तुल्य महादेव तुल्य, पता नहीं कितनी सी बातें, कितनी सारी बातें कही जाती है, कितने विशेषण हमको आपको पता नहीं कितने विशेषण से विभूषित किया जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टियां हमें भगवान मान लेती, पैरों में गिर जाते हैं लोग नेता वोट के लिए, और उसके बाद फिर आप इनके पैरों में गिरकर भी अपना काम करा नहीं सकते हैं। तो वोट की ताकत, कहा तो जाता है कि भाई वोट की ताकत बहुत है, लेकिन मुझे लगता है वोटर सबसे बलहीन प्राणी है इस लोकतंत्र का। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच दो और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय सिंह एडीआर से ताल्लुक रखते हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। संजय जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका। अभी जस्टिस पांडे साहब ये कह रहे थे कि भाई अन्य देशों में व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है कि भाई अगर जिस प्रतिनिधि को हम चुने, चुनने के बाद वो बीच में आता है, हम उसे संवाद कर सकते हैं, हम उसका कुछ शुद्ध भाषा में कहें तो बना बिगाड़ सकते हैं कुछ हम, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। समाजशास्त्री ध्रुव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव कुमार जी से जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें समाज की क्या भूमिका है या हो सकती है, क्योंकि जो मतदाता है, जस्टिस पांडे ने भी कह दिया और मैं भी बहुत बलहीन समझता हूं अपने आप को कि भाई एक बार इस्तेमाल किया फेंको, 5 साल बाद फिर देखेंगे। ध्रुव कुमार जी पाठक जी, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया है कि भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय निर्वाचन प्रणाली में, इस संवैधानिक निर्वाचन प्रणाली में हमारा एक वोटर किस पायदान पर, किस परिस्थिति पर, लोकतंत्र के किस सीढ़ी पर खड़ा है? सवाल बड़ा ही गंभीर है। सवाल यह है कि जिसे आप लोकतंत्र कह रहे हैं वास्तव में वो लोकतंत्र है, या कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो राजतंत्र का ही अपभ्रंश है? मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूं अगर तो, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव राजा हैं या नहीं? कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका जी राजा हैं या नहीं? भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे ताकतवर राजा हैं या नहीं? मैं किसी दलगत राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यह बात आपको याद दिला रहा हूं
कि राजा का जो हुक्म पहले हुआ करता था वही कमोवेश बदले स्वरूप में आज भी लोकतंत्र का हमारे समाज में है। जिसे आप लोकतंत्र कह रहे हैं वह छद्म राजतंत्र है, पहला बात, पहली बात। दूसरी बात की अब सवाल यह है कि आपने वोट दिया गुजरा गवाह, जैसा जैसा कि पांडे जी ने भी कहा, हमें भी सुन के बड़ा वो लगा, लौटा बराती गुजरा गवाही, गुजरा लौटा बराती और गुजरा गवाही। पांडे जी से बहुत पूरे पूरे जीवन में बहुत हजारों लाखों ऐसे लोगों को देखा होगा पांडे जी ने। सवाल यह है कि पांडे जी उसी लोकतंत्र के एक स्तंभ के मुखिया रहे हैं और भारतीय संवैधानिक प्रणालियों में आखिर जब इतना बलहीन वोटर है था तो इसको प्रिक्योर करने की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस हुई? क्यों नहीं कोई पब्लिक लिटिगेशन दायर किया गया भारतवर्ष में? हमें आज तक याद नहीं है कि जनता के हित के लिए कोई पब्लिक लिटिगेशन दायर हुआ हो एक वोटर के राइट्स के लिए। आप सारी पार्टियों को देख लीजिए, आज कोई पार्टी अपने आय या इनकम को या किस स्रोत से पैसा पा रही है उसे वो सार्वजनिक करना नहीं चाहती है। इवन केजरीवाल ने एक बिल लाने का प्रयास किया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सभी पार्टियों को प्राप्त होने वाले चंदों को लाया जाए। सारी पार्टियों ने मुखर होकर के एक बार विरोध करके इसको इसके मुखालफत की। तात्पर्य कहने का यह है कि मित्र, हम इस देश में रहते हैं भगवान भरोसे। उस न्यायालय की सीढ़ी पर जरा कल्पना करिए जहां पे पांडे जी ने अपना पूरा जीवन बिताया है, क्या कोई जा करके न्याय मांग सकता है? किसी गरीब की हैसियत है कि किसी बड़े टॉप क्लास के एमएनसी के किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में ज्ञान प्राप्त कर सकता है? सर जी, ये नहीं है। वैसे ही गरीब के लिए भी लोकतंत्र एक सिर्फ एक एक ऐसा आडंबर है जिसे वो समझ नहीं सकता है, सिर्फ उसके अधीन होकर के जीता है। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत बहुत स्पष्टता से समाजशास्त्री ध्रुव कुमार जी ने बहुत स्पष्टता से सारी चीज़ों को रखा। इस बीच एक और महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदुरिया जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। भदुरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, गणतंत्र दिवस की एडवांस में अग्रिम। मैं सीधे सुरेंद्र दुबे जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, ध्रुव कुमार जी ने बहुत सारी बातें कह दी, बहुत ये भी कुपित नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं दुर्गेंद्र चौहान, आज डिस्कशन का मुद्दा क्या लेकर आप आ गए हैं भाई? मतदाता पांडे जी कह रहे हैं कि 5 साल में एक बार उपयोग की चीज है मतदाता। पांडे जी ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया, बहुत जाने माने न्यायविद हैं पांडे जी। और अब ध्रुव कुमार जी ने कहा कि ये तो राजतंत्र ही है, उसका अपभ्रंश रूप है, छद्म राजतंत्र है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। सुरेंद्र दुबे जी, आपने तो बहुत तमाम सरकारें, तमाम नेता लोकतंत्र का मान मर्दन, मतदाता का अधिकार लूटते। मैंने अभी अपनी भूमिका में इस बात को कहा था इसमें विषय प्रवेश के दौरान कि पहले बूथ लूटते थे, अब दिमाग लूट रहा है, बूथ लूटते हैं। जी देखिए, मैं अभी मैंने अन्य वक्ताओं को सुना और आपकी सुनता हूं, तो एक बात यह है कि वोट हमारा देने का अधिकार है, लेकिन वोटर का कोई महत्व नहीं, वोट का महत्व है, क्योंकि उस वोट से सरकार बनती है और वोटर को बाद में वेस्ट बॉक्स में फेंक दिया जाता है। हमारे पास कोई राइट टू रिकॉल भी नहीं कि अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सके। हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप प्रदर्शन करने जाएं तो लाठी से न पीटे जाए। तब आप जा करके किसी एमएलए एमपी को जिसको आपने वोट दिया उसके घर के बाहर प्रदर्शन करें, तो वही जो आपके घर पर हाथ जोड़े खड़ा था कि हुजूर हमको जिता दीजिए, हम आपके स्वागत पलक पावड़े बिछाएंगे, वो खुद डंडा लेके आ जाएगा और उसके सपोर्ट में पुलिस डंडा लेके आ जाएगी। एक
अब बात उससे भी आगे बढ़ गई, हम लोग वोट और वोटर पर लगे हुए। अब तो ये भी है कि हम वोट दे रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, क्या हम जिसको वोट दे रहे हैं उसी को मिल रहा है? हाँ, ये भी बड़ा सवाल हो गया आजकल। बड़ा सवाल हो गया कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसको मिल रहा है। और तीसरा खतरा जिस पर आजकल अभी चर्चा नहीं हो रही लेकिन वो खतरा आने वाला है जल्दी, ये जो रिमोट वोटिंग की व्यवस्था की जा रही है कि आप देश के किसी भी हिस्से में होंगे और अपना वोट जहां आपका वोट है वहां के लिए डाल सकेंगे। सरकार ने बड़ी खूबसूरती से एक जाल बिछाया है और साल में पहले इसलिए शुरू कर दिया है ताकि कोई विपक्षी दल ये न कहे कि हमको मौका नहीं दिया गया। और विपक्ष के लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे कि हम इसको क्या जवाब दें, जब इसी आप अपने इलाके में जब वोट देते हैं वहां आपका लिस्ट से नाम गायब हो जाता है। अब दूसरों में हमारे अपने परिवार के, इसलिए अभी 22 को चुनाव में 2 नाम गायब थे, हम 5 लोग हैं, 3 ही वोट दे पाए। और पत्रकार हैं तो DM को ही फोन किया, इसको फोन किया, उनका था हमारे पक्ष नहीं, आपका नाम है, नहीं है तो नहीं है। तो फिर हम कौन सा मताधिकार रखते हैं? सिर्फ कागज में रखते हैं, विज्ञापन में रखते हैं, जिससे अखबार वालों को विज्ञापन में था उसमें हमारे बहुत से अधिकार है, ये वास्तव में हमारा कोई मताधिकार नहीं है। ये जब अभी रिमोट वोटिंग की बात करें तो बहुत खतरनाक है। सपोज कीजिए लखनऊ का जो वोटर है एक बम्बई में बैठा है, तो जाहिर है अभी भी क्या होता पांडे जानते हैं, बहुत सीनियर आदमी, जब चुनाव होता तो जो प्रवासी लोग होते हैं मजदूर उनको पार्टियां पैसा दे दे करके बुलाती कि तो वहां से छुट्टी ले लो, उनको मालके कहते भाई इनको छुट्टी दे दीजिए, और उनके लिए रिजर्वेशन भी होता, पूरी सब्जी भी होती, और गांव में बड़ा शोरगुल होता कि भाई देखो नेताजी ने बुलाया वोट डालने के लिए। अब जाहिर है अगर नेताजी ने पैसा बुला दे के बुलाया है तो वो उन्हीं को वोट देते हैं ज्यादातर। अब जो उसके आगे के उन्हीं जगहों से बैठाए हुए, अब उनको ट्रेन का टिकट नहीं देना होगा, तो जो काम 500 रुपये में होता तो 50 तो ही हो जाएगा। तो भाई तुम 50 लो यहीं रहना, ये 100 लोग इस मोहल्ले के हैं, ये रिमोट वोटिंग करें। और वहां कोई वो क्या कहते हैं आचार संहिता नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव नहीं हो रहा है। आचार संहिता लखनऊ में जहां चुनाव हो रहा है, एक मैं बात कर रहा हूं, आप डालिए वोट। अभी तो ये देश इसी समस्या से नहीं निपट पाया है कि हम जो EVM से वोटिंग कर रहे हैं उस पर भी विश्वसनीयता या हमारा भरोसा 100% नहीं है। कभी हमें लगता कि नहीं यार EVM ठीक काम कर रही है, हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। कभी लगता कि नहीं यार पता नहीं ये EVM में क्या गड़बड़ हो जाता, क्योंकि कुछ मूलभूत प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। मुझे जहां तक याद पड़ता है कई साल हो गए, एक कर्नाटक में कहीं जवाब दिए गए थे विधानसभा में कि 12 लाख या 19 लाख EVM मशीन्स गायब हैं एक लंबे अरसे से, और उनका आज तक पता नहीं कि वो EVM मशीन्स गई कहाँ। तो जाहिर है अगर वो कबाड़ी क्या गई होती तो मार्केट में बिक रही होती, अगर मैन्युफैक्चरर को डिफेक्टिव होने की वजह से वापस गई होती तो मैन्युफैक्चरर वक्तव्य देता कि नहीं वो हमने खराब थे मशीनें हमने वापस ले ली, उन पर चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं। तीसरी बात, आपको चिंता कि वोटर का क्या होगा और वोट का क्या होगा। अब तो हमारे देश में जो चुनाव आयोग है उस पर भी हमको भरोसा नहीं रह गया कि ये हमारे लिए हमारे अधिकार संरक्षित करने के लिए कितना सजग है। उसकी हालत एक पोस्टमैन की तरह है। बहुत बड़ी टिप्पणी है, सुरेंद्र दुबे जी ने बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पोस्टमैन हो गया है। दो तीन एंगल इस मंथन में और निकल कर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये जो रिमोट वोटिंग है ये भी एक मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक नया एंगल दिया कि भाई अब तो एक और आफत जिसको लेकर आप चर्चा कर सकते हो, सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है विपक्ष की, एक रिमोट वोटिंग का भी सिस्टम आ रहा है। और सुरेंद्र दुबे जी ने बड़ी खूबसूरती से समझाया, चूँकि बहुत वरिष्ठ और बड़े तपे तपाए पत्रकार हैं। इस बीच एक और वरिष्ठ पत्रकार
नवेद सिको साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक नए नए एंगल खुल रहे हैं। हम आज मंथन में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, आज हम मंथन में इस बात को लेकर आए थे कि वोटर कहाँ खड़ा है, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा किस बाजार में खड़ा है, और इसमें तरह तरह के एंगल, चूंकि विद्वत जन है हमारे पैनल में, राजनीतिक काँव काँव नहीं है, ये वो लोग हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पता नहीं कितने बाढ़, कितना तूफान, गंगा जमुना सरस्वती में कितना पानी आया चला गया, ये सब देखा है। जाने माने चुनाव विश्लेषक संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अब संजय के पास जाऊंगा। संजय जी, अभी सुरेंद्र दुबे जी ने बहुत एक अलग तरीके की आशंका जता दी, वो कह रहे हैं कि वो बाकायदे हवाला दे रहे हैं कि भाई वोटरों को लाने के लिए तमाम नेता खर्च करते थे, प्रवासी बम्बई दिल्ली कहाँ कहाँ इधर उधर लोग, अब तो रिमोट ही चला गया, वहाँ कोई मतलब ही नहीं, जो मन वो करो, तो ये एक अलग तरीके की चुनौती आने जा रही है। तो मतदाता, वही जो मैंने विषय प्रवेश के दौरान कहा था ना कि पहले बूथ पर वोट लूटता था, अब यहाँ से वोट लूट रहा है, माइंड गेम चल रहा है, दिमाग से वोट लूट रहा है, अब अपने अपने तरीके से कोई करे, कोई जातिवाद के नाम पर लूट रहा, कोई कहीं से लूट रहा, कोई कहीं से लूट रहा, कहीं मशीनों पर आरोप लग रहा, कोई नेता पर आरोप लग रहा, कुल मिला के अब मतदाता ठगा सा खड़ा हुआ है। एक चुनाव विश्लेषक के तौर पर इस विषय को और इन आशंकाओं को आप कैसे देखते हैं, संजय सिंह? धन्यवाद चौहान साहब, एक बहुत ही समृद्ध पैनल आपने इस चर्चा के लिए रखा है, क्योंकि इस समय देश में भले ही अभी कुछ राज्यों के चुनाव की, जैसा हम जानते हैं कि हमारे सिस्टर स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, अभी भी आपके इस चर्चा के दौरान ही मैं कर्नाटक से लौट के आया, बस पहुंचा हूं और किसी भी तरह से आपकी इस चर्चा में जुड़ पाया, रास्ते में ही हूँ। और मैं जहां तक मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि मैं जितने भी विद्वान वक्ताओं को सुन रहा था, जिनकी जितनी भी शंकाएं हैं वो सभी की सभी जो है निश्चित तौर से बड़े गंभीर विषय, एक चुनाव विश्लेषक होने के नाते, एक चुनावी विश्लेषक विद्यार्थी होने के नाते, मैं जहां तक समझ रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि निश्चित तौर पर ये कहना बहुत लाजमी हो गया है कि धीरे धीरे इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही मंद पड़ रही है, बहुत कमजोर पड़ रही है, और आने वाले दिनों में भारत में ये जो दृश्य दिख रहा है वो एक ऐसा दृश्य दिख रहा है कि किसी भी तरह से जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव जीतेगा, और वही चुनाव में चाहे जो सत्तारूढ़ दल होंगे वही सत्ता में रहेंगे, और सत्ता में रहने के लिए वो सारे इंतजाम कर, अभी हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में इलेक्टोरल चुनाव, जब संविधान के दौरान, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने एक तरह से ब्रिटेन से हमने अपने संविधान को लिया, उसके आधार पर हमने चुनाव आयोग बनाया, फिर चुनाव आयोग को लगातार अभी हम कमजोर करते चले जा रहे हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल कितने दिन से 2010 से पेंडिंग में पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे, बल्कि हम कुछ ऐसे लूज फॉल निकाल रहे हैं, ये जो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कहीं पे भी रिमोट वोटिंग का जो अधिकार है, रिमोट वोटिंग के अधिकार में निश्चित तौर से हेरा फेरी और बहुत मतदाता को प्रभावित करने के लिए कई गुंजाइश होंगी, और दूसरी बड़ी गुंजाइश जो है वो ये है कि मतदाता भी अब ये जान गया है कि किसी भी तरह से हमें कोई गिनती है नहीं, हमें वोट देना है तो जो हमारा लाभ हमें तात्कालिक स्तर पर मिल सकता है वो मिले। मैं एक उदाहरण के तौर पे, क्योंकि अभी एडीआर पूरा देश भर में इलेक्शंस के लिए काम करते रहते हैं, तो जिन राज्यों में चुनाव है, मैं एक राज्य में अभी दौरे पे था और वहां के लोगों से पूछ रहा था, तो लोगों ने बहुत साफ कहा कि जो भी हम लोगों के यहाँ लोग आ रहे हैं, अब मतदाता पूछ रहे हैं कि आप कितना खर्च कर सकते हो, कितनी हैसियत है आपकी। कर्नाटक में मतदाता अपने जो संभावित प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों से पूछ रहे हैं कि आप कितना तक खर्च कर सकते हैं, और खर्च करने के बाद में, और उनके बीच में ये मोल तोल चल रही है कि ये जो सबसे ज्यादा खर्च करेगा मतदाता उसके साथ जाने के लिए तैयार है। आप ये देखिएगा कि वैल्यू किस लेवल पे गिरे,
ये जो नैतिक मूल्यों का गिरावट है, दूसरी तरफ ये एक तरह से कॉरपोरेट कल्चर जो है, और चुनाव इतने महंगे कर दिए गए, और चुनाव महंगे करने के साथ साथ ताकि कि आम आदमी, आम एक प्रत्याशी चुनाव की दौड़ से बाहर हो जाए, दूसरा मतदाता भी ये मान चुका है कि हमें जो तात्कालिक लाभ मिल जाएगा उसका लाभ लेंगे। बहुत सारे जगह पे आप देखिए इतने ज्यादा कहीं ना कहीं से कमजोर कड़ियां छोड़ दी गई हैं। आप जिलों के स्तर पर जो हमारा एमपी एमएलए कोर्ट है उसके डिसीजंस कैसे आ रहे हैं, किस तरह की चीजें हैं। दूसरी तरफ ये है कि चुनाव आयोग, आज आपने ये चर्चा की है और बहुत महत्वपूर्ण आज के दिन आपने ये चर्चा की है कि भारत में आज हम सब जो मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस दिन इलेक्ट्रल रोल के बारे में लोगों को चल सके। इलेक्ट्रल रोल की परिभाषा क्या हो गई, डिस्ट्रिक्ट्स में जो कार्यक्रम हो रहे हैं सिर्फ वो आईडी कार्ड बांट दिए जा रहे हैं जो 18 साल के बच्चे, कहीं पे हम जो इथिकल वोटिंग के बारे में जागरूकता करने का मामला है, सही बात कहने का मामला है, अगर कोई भी व्यक्ति सही बात किसी प्रत्याशी के बारे में उठा देता है तो सीधे तौर पे एक उसके साथ एक पूरी ब्यूरोक्रेसी की फौज खड़ी हो जा रही है। मैं तो कितने उदाहरण दूं कि हर दिन कोई ना कोई समस्या से जूझता हूं, किसी ना किसी बड़े नेता का फोन आता है, फिर उसके साथ कुछ अधिकारियों के फोन आते हैं, वो ये सब बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जो ये कर रहे हैं ठीक नहीं है, इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। तो एडीआर तो दिन रात इन समस्याओं से जूझ रहा है, और जूझने के साथ साथ हम लगातार ये बात कर रहे हैं। मैं अपनी एक बात खत्म करूं, उससे पहले दुरु जी ने जो बात कही थी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सारे दलों को लाने का, वो मुहिम एडीआर ने ही चलाई थी, उसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में फिर इन सारे दलों ने एक तरह से सारी चीजें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सारे राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए तो एक एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, जब भी चुनाव सुधार की बात आएगी सब एक हो जाएंगे, पावर बढ़ाने की बात आएगी सब एक हो जाएंगे। उसका परिणाम 2000 से देख रहे हैं कि जब हम हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, सभी जगह हमने ये बात की कि ये दागी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सके, तो सारे लोग एक हो गए। अभी जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां भी उसी की तरह से लाने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन जो खासतौर से जितने भी इशू पेंडिंग्स हैं, और वो जो ये अभी इलेक्ट्रिक बॉन्ड का जो इशू रहा, वो पिछले महीने एक डेट खोली गई, आप देखिएगा कितने बड़े पैमाने पे पैसा एसबीआई के अकाउंट्स में आया, और उसमें एक सीधे तौर पे ये है कि इतने धनराशि तक का आपको नाम नहीं बताना पड़ेगा, और नाम नहीं बताना पड़ेगा उसके नाते जो पैसे आए, और लोगों ने जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदा वो उस बॉन्ड के नाम पे पार्टीज को कितना पैसा मिला। तो एक तरह से जो लोकतंत्र का ठीक भविष्य बात, हम देख पा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, और मुझे लगता है कि इससे जो है गवर्नेंस बहुत कमजोर है। मेरा दुख की बात यह है कि जितना लोकतंत्र का ये भविष्य खराब होगा उतना ही करप्शन बढ़ेगा, और उसका असर जो आम आदमी की जिंदगी पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक बिंगिंग इलेक्ट्रल रिफॉर्म के विद्यार्थी होने के नाते हम बहुत ही चिंतित हैं, और भविष्य को लेके ये कि निश्चित तौर से जो अकाउंटेबिलिटी है वो कमजोर ठीक बात पड़ेगी। है, ठीक बात है। आलोक जी, संजय सिंह ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, चूंकि ये एक्सपर्ट हैं इस विषय के, तो इन्होंने बहुत सारे बिंदु रखे। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण रखा कि वहाँ अब प्रत्याशी आ रहे हैं, प्रत्याशी के पास लोग जा रहे हैं, कह रहे भाई कौन ज़्यादा खर्च करने वाला, एक अलग तरीके का ये परिदृश्य दिखने लगा है भारतीय लोकतंत्र में। एमपी एमएलए कोर्ट के निर्णयों पर इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, इलेक्टोरल बॉन्ड, बहुत सारी बातें कही। मेरा फिर घूम फिर कर वही सवाल है कि कबीरा कबीरा कहाँ खड़ा है बाजार में, कहाँ कबीरा की क्या स्थिति है, मतदाता कहाँ है? आलोक जी, देखिए दो चीजें, कुछ आपके पैनलिस्ट की एक टिप्पणी है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि लोकतंत्र एक आडंबर, बिल्कुल आडंबर नहीं है। लोकतंत्र एक ऐसा है कि एक विचार है, एक सोच है, एक अभिव्यक्ति है, जीने की आजादी है, और एक अपना चुनने की आजादी है, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, और इसी के आधार पर ही लोगों का, समाज का और देश का विकास होता है। इसलिए लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज, इसको मैं हम लोग किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते। हाँ, कुछ ग्रहण जरूर लग जाते हैं, अब ग्रहण का अवधि कितनी हो सकती है ये सोचने वाली बात है। एक जहां तक अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात की गई है, बिल्कुल सही है, इलेक्टोरल बॉन्ड की जिस तरीके से पेश किया गया, और आखिर क्या दिक्कत है, मुझे तो एक ये भी लगता है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड में हमको कॉर्पोरेट का नाम ही नहीं पता चलता है। स्टेट बैंक से आप खरीदेंगे लेकिन वो वहां से भी आपको नहीं पता चलेगा, अगर बाद में आप आरटीआई लगाएंगे तो भी आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसमें वो बनाते वक्त ही इस चीज का ध्यान रखा गया कि इसका खुलासा ही नहीं हो पाया।
लेकिन मुझे एक लगता है कुछ हमको बुनियादी तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा कुछ पैरेलल ढूंढना चाहिए। देखिए जब तुलना करेंगे तभी तो बात होगी। अभी जैसे एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी संसद में कहा था कि 10,09,000 करोड़ से ज्यादा एनपीए राइट ऑफ कर दिए, तो क्या हमको ये जानने का अधिकार नहीं है कि किन उद्योगपतियों के राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब बढ़ते खाते में डाल दिएगा, बैंक की बैलेंस शीट साफ सुथरी कर दी गई, ठीक है? तो मतलब जो इनका जो रिस्क जो वेटेज रेशियो होता है ना वो उन्होंने ठीक अपना दुरुस्त कर लिया, यानी बैंक की बैलेंस शीट चमकदार हो गई, आकर्षक हो गई। अब सवाल ये है कि अगर ये इतना सारा 10,00,000 करोड़ से ज्यादा अगर वो तो कॉर्पोरेट लोन, जाहिर सी बात इनमें ज्यादातर कॉर्पोरेट लोन है, उनको राइट ऑफ किया गया क्योंकि उनके नाम हमको पता नहीं चलने, क्या हमको उनके नाम उसके जरिए नहीं पता चलनी है? क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी वही लोग पैसे दे रहे हैं क्या, जिन जो एनपीए हो गए क्या वही लोग कॉर्पोरेट में फंडिंग कर रहे हैं क्या? बड़ा क्या सवाल है, बड़ा सवाल है, बड़ा टेढ़ा सवाल है आलोक जी। और एक बात और, अभी जैसे एक एक अपराध की भी बात हुई है, अपराध अपराधी एक मुझे लगता है कि संसद में हमको ये जरूर चुनना चाहिए क्योंकि हमारे जो मौजूदा जो प्रतिनिधि हैं जो संसद के अंदर बैठे हैं, आप याद करिए कि एडीआर ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है जिसमें से ये लिखा है किन लोगों के ऊपर कितने मुकदमे आपराधिक मुकदमे दर्ज है, कहीं कहीं तो वो बड़े जुर्म भी है। लेकिन अब सवाल है कि जब तक आप सजा नहीं होगी तब तक तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाई जा सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता ये 6 महीने या साल भर के लिए किया जाए? देखिए लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज है, लोकतंत्र में कानून कौन बनाते हैं? कानून तो वही बनाते हैं ना जिनको मतदाता चुनकर भेजते हैं। और सवाल है कि अगर वो कानून बनाने के पात्र नहीं है, उनके ऊपर आरोप है, तो क्यों नहीं इस देश में कोई एक फास्ट ट्रैक बन जाती है? क्यों नहीं उसी निर्वाचित प्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने को दोषमुक्त साबित करे? ऐसा नहीं कि आप क्या कहें ये प्रावधान नहीं, आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टर जिसको ईडी बोलते हैं अपने ईडी में तो प्रावधान डाल रखा है ना कि जिसके ऊपर आरोप लगाते वही अपने को दोषमुक्त होने की सारी कोशिश करता है, पैर भी करता है, तो यही प्रावधान हम लोग ये जनप्रतिनिधियों पर क्यों नहीं लागू कर सकते? अब एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो एक आपने बताया है वो ये है कि वोटर क्या करे? वोटर क्या हमेशा ठगा महसूस करता है? बिल्कुल करता है ठगा। और मैं ये नहीं मानता कि इतना ज्यादा ग्रहण है तो केवल सत्तारूढ़ पार्टी को ही फायदा होता है। अभी आप याद करिए कि मध्य प्रदेश में जनता ने किसको वोट दिया था और बाद में कौन सत्ता में आ गया? इसको इस सूची को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, इसको आप गोवा तक ले जा सकते हैं, इसको आप यहाँ भी ले जा सकते हैं, कर्नाटक में ले जा सकते हैं, इसको आप महाराष्ट्र में ले जा सकते हैं, इस सीमा का तो विस्तार करते करते आप नॉर्थ ईस्ट में भी पहुंच सकते हैं। ये सवाल है कि जनता जिसको चुन रही है वो अंततः सत्ता में नहीं होता है और पूंजी के आधार पर सत्ता कहीं और चली जाती है या लोगों के आत्मा के आधार पर, एक होती है ना अंतरात्मा की आवाज पर लोग अपने दल बदल लेते हैं। एक हमारी अंतरात्मा कुछ होती नहीं है, बहुत 0.1% लोगों की अंतरात्मा होती होगी। इतना पैसा खर्च करके जो लोग आते हैं वो अंतरात्मा का तो मसला मुझे नहीं लगता। आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। एक एक और ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं एक और ब्रेक लूंगा, फिर इस चर्चा के लिए नवेद सिको के पास जाएंगे। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत संजीदा अपने विषय को रखते हैं। ब्रेक के बाद मंथन में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे नवेद सिको साहब के पास चलेंगे। नवेद भाई, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सारे पैनलिस्ट ने रखे, एमपीए मिले कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, एडीआर के संजय सिंह हैं, उन्होंने बहुत सारी चिंताएं जता दी, जस्टिस पांडे साहब ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही, हमारे सारे पैनलिस्ट एक से एक धुरंधर और विद्वान हैं, सुरेंद्र दुबे जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखे, लेकिन घूम फिर कर मैं फिर आपसे भी वही सवाल करूँगा कि वास्तव में इन सब सारी चीज़ों को, आलोक जी ने कहा कि भाई सरकार मतदाता कोई चुन सर, कोई सरकार के लिए मत देता, कोई सरकार चुनता बन कोई जाती है, ये मतदाता के साथ ये कैसा व्यवहार है? तो एक छलावा है और एक तरीके से कभी उसके दिमाग को का इस्तेमाल करके हम उसका वोट लूट लेते हैं, मतलब हम मतलब नेता, हम तो नेता नहीं हैं, आप भी नेता नहीं हैं, लेकिन कभी पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी असलहों के दम पर, अब असलाह नहीं है, दिमाग भी असलाह की तरह काम करता है, और फिर रही सही कसर, बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम है,
अंतरात्मा की आवाज एक बहुत बड़ी भूमिका आजकल लोकतंत्र में अदा कर रही है। नवेद भाई जी बिल्कुल, मैं डिबेट आपकी सुन रहा था और वाकई मुझे बड़ा अच्छा लगा और गर्व लगा कि गंभीर विषय के ऊपर जो आपने इतने काबिल पैनलिस्ट बैठाए हैं, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण था और बिल्कुल बाकिया उधेड़ देने वाला था, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण था। अब मुझे लगता है कुछ कहने के लिए नहीं रह गया, लेकिन उस बातों को मैं दोहराऊंगा जो इतनी महत्वपूर्ण बात कही कि हम किसी को चुनते हैं और जिसको चुनते हैं वो सरकार बनाने की स्थिति में भी होता है, लेकिन वो सरकार चली जाती है, सरकार कोई और बना देता है, लेकिन हमारा कमिट, हमने किसी को चुना था, सरकार किसी की बन गई, इससे बड़ा छल क्या हो सकता है। एमपी एमएलए कोड अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। हाँ, आप नेता हो, हम नेता हो, हम आपत्तिजनक बात करते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, आप करते हो तो नहीं होती है। अब इस पर सवाल कौन उठाएगा और किसमें इतनी शक्ति है, इसके खिलाफ कौन बोलेगा? क्योंकि जब सत्ता बहुत ताकतवर होती है, चाहे कोई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, ये एक स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं तानाशाह उसके अंदर, उस सत्ता के अंदर आ जाता है। आज की तारीख में एक बिंदु नहीं है, बहुत ही कितनी बड़ी बात है कि हमने चुना और जिसे चुना वो सरकार बना दे रहा है, लेकिन वो सरकार गिर गई, खत्म हो गई, तो इससे बड़ा छल क्या होगा। एमपी एमएलए कोर्ट का भी यही मामला है कि एक कोई खतावार है, दूसरे को इग्नोर कर दिया गया। एक चीज और है, आप मुझे बताइए, आज के जमाने में जमाना बदल गया है, पीआर एजेंसीज है जो एक कॉर्पोरेट जगत में, कुछ इस तरह की संस्थाएं हैं जो बाकायदा जमीन पे काम करती है, साइकोलॉजिकल करती है, जमीन पे करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, हर राजनीतिक दल उसको हायर करता है, बहुत बड़ा पैसा देता है, बड़े बड़े पैकेज होते हैं। कहा तो ये जाता है कि वो बताते हैं कि किस क्षेत्र में, किस विधानसभा क्षेत्र में, किस लोकसभा में, किस जाति के लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्या जरूरतें हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बालिक कितने हैं, नाबालिग कितने हैं, लेकिन उसी के साथ उनको एक और ठेका दिया जाता है चुपचाप तरीके से कि इस क्षेत्र के वोटर किस प्रलोभन में आएंगे, क्या वो भावनाओं में आ जाएंगे, क्या उनको लालच देना पड़ेगी, क्या उनको रेवड़ी देना पड़ेगी, क्या उनको डराया जाएगा। बाकायदा इस तरह की संस्थाएं उनको रिपोर्ट राजनीतिक दलों को दे रही हैं और ये खामोशी से काम हो रहा है। पैसा पहुंचाने का भी इसके कोई प्रमाण तो नहीं पेश किए जा सकते, लेकिन ये बात अगर इस पर बाकायदा काम किया जाए, पूरी रिपोर्ट राजनीतिक दलों के पास, वो राजनीतिक दल कुछ जायज काम भी करते हैं, उसमें वो प्रत्याशी भी चुन लेते हैं कि भाई ये प्रत्याशियों का भी सर्वे कराते हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं देश में जो बहुत खामोशी से राजनीतिक दलों के साथ काम करती है, बड़े बड़े पैकेज के साथ, और वो पूरा मिजाज बताते हैं। मिजाज बताना अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि किस तरह प्रलोभन दिया जाए, किस प्रलोभन में वोटर आएगा। रेवड़ी कल्चर बहुत बड़ा सवाल उठा, अभी भी उठ रहा है कि राजनीतिक दल जो वादे करते हैं और वो वादे नहीं निभाते हैं, इससे बड़ा छल क्या हो सकता है। अगर हमने वादा किया कि साहब हम दीपावली में गैस सिलेंडर देंगे और नहीं दिया, तो ये तो वोटर वोटर को तो एक एक उसको लालच शब्द कह सकते हैं कि वो कम से कम एक हल्की चीज को चुनता है, बड़ी चीज को नहीं, अपने भविष्य को, अच्छी गवर्नेंस को नहीं चुनता है। ये इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। मैं समझता हूं जैसे मादक है, हम वोट डालने जा रहे हैं, वोट डालने के लिए हमें पहचान पत्र, कितने पहचान पत्र होना चाहिए, हमें पुलिसिया डंडा कहता है कि भाई ये वाला तुम दिखा रहे हो, नहीं वो वाला दिखाओ। अब नियमावली के खिलाफ अगर प्रशासनिक तंत्र इस तरह का काम कर रहा है तो हम कहां पुलिस वाले का गरेबान नहीं पकड़ लेंगे। अब विपक्षी दल अगर हैं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो सड़क पर इस बात के खिलाफ आए, क्योंकि वो भी, उनके अंदर भी तमाम कमियां हैं, वो डरे हैं, वो सहमे हैं, उन्होंने भी काले कारनामे अपनी सरकारों में किए हैं, उनको पता है कि अगर हम सड़क पर आएंगे वोटर के लिए, नागरिक के लिए, जनता के लिए, तो हम नाप दिए जाएंगे, हमारा चेहरा दिखा दिया जाएगा, हमारी फाइल खोल दी जाएगी। तो ये सब मिला के वोटर कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। भावनाओं को, जो आपने दिमाग की बात की, भावनाएं कहां पर भड़काई जाएंगी, कहां धर्म की बात आएगी, कहां पर जाति की बात, खुलेआम इस तरह के बयान दिए जाते, अच्छी बात है, ठीक है। नवेद भाई, संजय सिंह के पास जाएंगे, चूंकि संजय सिंह के पास बहुत डेटा रहता है, वो काफी भ्रमण करते हैं। संजय भाई, नवेद भाई कह रहे हैं कि भाई अब जो इस सर्वे होते हैं ना, बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, कौन मतलब किसको क्या चाहिए, मतलब ये भी बताते हैं वो राजनीतिक दल और प्रत्याशी, उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं, क्या इस तरह की जानकारी आप लोगों के पास रहती है संजय जी? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अभी इलेक्शन मैनेजमेंट एक नया एम्प्लॉयमेंट का एक सेक्टर हो गया और बहुत सारे लोग जो है
उस एम्प्लॉयमेंट की तरफ और एक पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने को एक सिफोलिस्ट कह के, पहले मुझे याद है कि भारत में गिनी चुनी संस्थाएं थी जो ये काम करती थी, और भारत में इसका इतिहास भी कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, लेकिन पिछले 30 साल पहले ये शुरुआत हुई थी और सीएमएस जैसी संस्थाएं थी जिन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट का काम शुरू किया था। लेकिन आज तो आपको छोटे शहर में भी लोग मिल जाएंगे जो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और जब से ये सोशल मीडिया आई है तब से ज्यादा वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो एक देश भर में संस्था चलाते हैं, इतने लोग आते हैं अपना प्रपोजल लेके कि आप हमें काम दे दीजिए, हम इस इलेक्शन, इस कैंडिडेट का इलेक्शन कर रहे हैं, उस इलेक्शन का कैंडिडेट का कर रहे हैं। और ये जो धीरे धीरे एक तो इससे विश्वसनीयता भी गिर रही है, और विश्वसनीयता के साथ साथ ये जिसको कहा जाए कि ऐसे रॉन्ग प्रैक्टिसेस, जो जिसको कहा जाए इथिकल ठीक प्रैक्टिसेस बात, को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इलेक्शंस में, चुनाव को प्रभावित महत्वपूर्ण करने में। बात है संजय जी, महत्वपूर्ण बात है। मैं जस्टिस पांडे साहब के पास जाना चाहूंगा। पांडे साहब, अब लगभग लगभग मंथन अंतिम चरण में है, समाप्त होने की तरफ है, इलेक्शन रिफॉर्म में क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप तो विद्वान हैं, विधि के वेत्ता हैं, दिक्कत क्या हो रही है? हम जैसे सामान्य आदमी इसको समझ नहीं पाते हैं। देखिए, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है इलेक्शन के मामले में, रिफॉर्म के बारे में। तो आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का एक बड़ा भारी रिमार्क आया था पर 10-15 दिन पहले। उन्होंने कहा, भाई इलेक्शन रिफॉर्म में एक बार फिर TN सेशन जैसे लोगों की जरूरत। और जब इलेक्शन का ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान ये टिप्पणी की, तो आप तो आप जो बहस करा रहे हो तो बहुत ही रेलिवेंट हो गया। आप देखिए कि आप वही बात बहस करा रहे हैं जो कि पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट लेकिन ने एक बहस दिक्कत की। और है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा जो बहस के दौरान बातचीत है उस पर कृपा करके डिस्कस मत करिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ये अजीब अजीब टाइप की कहानियां हैं सब। अपनी निजी संपत्ति नहीं है ये, हम लोग ये जो डेमोक्रेसी प्रोसेस में कुछ भी हम बहस कर सकते हैं, और वो फंडामेंटल राइट है हम लोग अपनी बात कहने का। तो ये जो देखिए चीफ जस्टिस जब वो जज कह रहा है रिफॉर्म जो है, तो टीएन सेशन का मतलब एक सिंबॉलिक है। ये सेशन कोई व्यक्ति के रूप में बात नहीं कर रहे, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो भी रिफॉर्म करना चाहे तो पूरा पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, इतना पावर मिल चुका है, वो चाहे सो रिफॉर्म कर सकता है। कुछ मामलों में गवर्नमेंट से कानून बनवाने की जरूरत होती है, अन्यथा सभी मामलों में उसे कानून बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो कानून बनाने वाले मामले छोड़िए, लेकिन जो डे टू डे और इस सारी की जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं वो तो इलेक्शन कमीशन कर ही सकता है। अब इलेक्शन कमीशन अगर अपने मान लीजिए आदेश पारित करता है, इसको कोई परेशानी होगी जाए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन पहले ही से डर जाता है कि हम ये पता नहीं हमारे पास अधिकार है कि नहीं है, हम नहीं करेंगे, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट पे क्या हो। अरे ये सब आप छोड़िए, आप अपने रिफॉर्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। और बहुत अधिक सबसे बड़ा बात ये आज के लिए चल रहा है कि जैसे संजय जी ने कहा कि अब इतना खर्चीला इलेक्शन हो रहा है तो कौन लड़ेगा। हम तो एक पार्टी चलाते हैं, हमको सफलता इसलिए नहीं मिल रही है कि क्योंकि हमारा इतना पैसा ही नहीं है, और मैं समझता हूँ कभी भी नहीं मिलेगी हमको सफलता इतना पैसा ना। जैसे एक चुनाव लड़ते हैं तो अगले बार उसका दूना खर्चा शुरू हो जाता है, पर दूसरा मान लीजिए जुटा के लड़ेंगे तो तीसरा में और खर्चा बढ़े हुए। आपने बहुत दिनों से डिमांड हो रही है कि चुनाव प्रचार के लिए हर ब्लॉक, हर गांव सभा लेवल पे या की लेवल पे आप प्रचार के लिए कोई मैदान ले लीजिए, लाउड स्पीकर लगा लीजिए, जिस पार्टी को आना हो अपनी बात कहे। कोई डोर टू डोर ये प्रचार करने वाला सिस्टम खत्म कर दी। ये टीवी चैनलों को आप जो खरीद के प्रचार करते हैं, वो जो अपना खरीद खरीद के जो आपने उनको पैसा पहले देते हैं और न्यूज के रूप में उसको यूज करते हैं, इस पर सख्त कानून लाइए कि कोई नहीं नहीं, करेगा। अब ये तो प्रक्रिया केवल जब चुनाव के दौरान नहीं चलती है, मुझे लगता है अनवरत चलती रहती है। प्रचार की व्यवस्था में पैसा खत्म कर दीजिए, इलेक्शन रिफॉर्म हो जाएगा नंबर 1। दूसरा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बिल्कुल सख्त कर दिए, टिकट नहीं देंगे, रिफॉर्म नंबर 2। तीसरा ये है कि जनता के सामने आप मुद्दे की बहस करिए। अब चुनाव आने के आते आते प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री और मंत्री और विपक्ष नेता सब आ जाते हैं जातिवाद पर आ जाते हैं। कैसे जातिवाद पर आ जाते हैं, जब जब को मनाई है फिर जाति रैलियां शुरू हो जाती है। ये सारे रिफॉर्म पांडे जी, इसीलिए तो कोई कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए तो कहा कि भाई सेशन 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 वाली व्यवस्था लाइए, इसीलिए कहा है। अब मुझे लगता है वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका। मैं फाइनल कमेंट के लिए सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, कैसे कैसे आम आम मतदाता को कैसे अधिकार मिलेगा, हम और आप कैसे ताल
ताकत में आएंगे कि कम से कम हम अपना अधिकार ले सके लोकतंत्र में, बहुत संक्षिप्त में सुरेंद्र जी? देखिए, सबसे मैं दो बिंदुओं पर से बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण है इलेक्शन कमीशन जो चुनाव कराता है। अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स करे, मैं कह रहा हूं पहले इलेक्शन कमीशन परफॉर्म तो करे, परफॉर्म ही नहीं करता वो बिल्कुल नॉन एंटिटी हो गया, ये पता ही नहीं चलता है कि कौन चुनाव आयोग का इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त है और वो क्या कर रहा है, खाली एक दिन अचानक चुनाव की बात हो जाती। दूसरे बिंद पर मैं आता हूँ। मुझे याद है मैं हम लोग स्कूल डेज में जब थे तो एक फिल्म आई घूंघट, तो उसमें पता ही चलता है कि जो व्यक्ति एक शादी करके ले जाता है, घर जाता है तो पता चलता है कि उसकी बीवी बदल गई घूंघट की वजह से। वैसे ही एक घूंघट हमारे लोकतंत्र पर छाया हुआ है। हम एमएलए चुनते, बाद में पता चलता कि अरे ये तो एमएलए है ही नहीं, ये तो कोई बड़ा धंधेबाज है या ये कोई बहुत बड़ा रैकेटियर है, तो एक अजीब से उससे स्थिति में फंसे हुए हैं। लेकिन हम लोकतंत्र में हैं तो हमारा काम उसके रास्ते निकालना है। हम सिर्फ उसके लिए निराश हो जाए, मैं बदोर जी की बात से सहमत हूँ, अब निराश होकर बैठ नहीं सकते, यही लोकतंत्र की ताकत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आलोक जी बहुत शुक्रिया, संजय सिंह जी, जस्टिस पांडे साहब, नवेश सिको साहब, ध्रुव कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सुरेंद्र मुझे ने कहा कि भाई ये घूंघट है, जब घूंघट उठा तो पता चला कि दुल्हन बदल गई, जिसको हमने चुना था वो था ही नहीं। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि हम मजबूती के साथ में जमे रहें, डटे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।